यस सर। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 10। यस सर, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें टॉपिक डाल लो ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज। सर हाँ बेटा। सर इस क्वेश्चन में लास्ट में इक्वेशन बन रही थी 1 + tan² a - 1। हाँ ये बनेगी, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, रूट में आएगा टेन स्क्वायर ए, ओपन करो तो कितना आ गया, टेन आ गया, यही बनेगा। यस सर। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आप डाल लो। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो इसमें हम कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, कुछ तो इसमें आपकी टाइप की एंटिटीज होंगी और कुछ एंट्री में आपको ऐसी लिखा हुआ केवल जिसके क्वेश्चन आपके क्या इसमें आ सकते हैं, क्वेश्चन वो आपके 11th की एंटिटीज है, तो कुछ मैं लिखा हुआ। ठीक है, उसके प्रूफ हम आगे बाद में पढ़ेंगे 11th में, अभी क्यों मैं वो आपको एंटिटीज लिखा हुआ। ओके ना, ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो आपकी बेसिक एंटिटीज है पहले वो आप लिख लो, सबसे फर्स्ट लिखो, सबसे बेसिक है ये जो हम देख भी चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, ये आपकी सबसे बेसिक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में। एक तो आपकी ये हो गई, दूसरी आपकी होती है, सर मेरे पास पूरा एक पेज भर का आइडेंटिटी लिखी हुई सर ट्रिग्नोमेट्री। एक सर मेरे पास। दूसरा है 1 + tan स्क्वायर। अबे सब आवे सर ने दी थी। अच्छा अच्छा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, tan तक तो आपके पास केवल इससे काम होगा, मतलब बोर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। यदि बोर्ड लेवल की बात करूँ तो उसमें केवल आपका इतना ही काम है, आपके पास तीन ही आइडेंटिटी है। बट यदि मैं फाउंडेशन की बात करता हूँ तो इसमें आपके पास कुछ आइडेंटिटीज और है, वो मैं लिखाता हूँ, वो भी आपके काम आ सकती है, उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं लिखाता हूँ। नेक्स्ट एक होती है आपकी आइडेंटिटी, ये आप 11th में पढ़ोगे, साइन ए प्लस बी। ये आप 11th में पढ़ोगे, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है, इसको ओपन करूंगा तो मैं, साइन ए कॉस बी प्लस cos a sin b। ओके बेटा, ये होता है। नेक्स्ट ऐसी आपकी होती है sin a माइनस बी की। sin a माइनस में देखो डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बाकी सेम ऐसे कैसे आ जाएगा, क्या sin a cos b माइनस cos a sin b। ओके ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट होती है ऐसी, ये हो गई sin की, ऐसे होती है cos की, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, इसमें थोड़ा चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो बेटा यहाँ आएगा माइनस, इसमें चेंज होता है, प्लस में आएगा माइनस, और डिफरेंस क्या होता है, cos cos के टर्म साथ में आएंगी, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये आता है cos के केस में। ऐसे यदि मैं लिख दूं cos a माइनस b में, तो उसमें बस डिफरेंस कहाँ आएगा, ये माइनस है तो प्लस बन गया, बाकी ये आगे सेम, क्या cos a cos b प्लस sin a sin b। चार आइडेंटिटी समझ में आई, याद कैसे करोगे बेटा, साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी है देखो प्लस था तो प्लस आ रहा है, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट कॉस ए प्लस बी है तो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा, कॉस कॉस साथ में साइन साइन साथ में, ये आपकी आइडेंटिटीज आती है 11th में। ओके बेटा, ऐसे ये साइन कॉस की हो गई, tan की होती है, tan होता है tan a plus b, वो भी आप याद करोगे, क्या होती है एंटिटी, ये होती है tan a plus tan b डिवाइड में 1 minus tan a tan b, tan a plus tan b upon 1 minus tan tan b, ऐसी माइनस में हो जाएगा। हाँ बेटा अर्षित। सर तो जो क्वेश्चन नंबर ने लास्टली सॉल्व किया था वो आइडेंटिटी से भी हो सकता था। हाँ देख लो, अप्लाई कर सकते हो तो कर लो, अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, अगर हो रहा है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने को हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बेटा प्लस है तो प्लस में क्या हो रहा है, न्यूमेटर में प्लस है, डिनोमेटर में माइनस है, माइनस में क्या होगा, न्यूमेटर में तो आ जाएगा माइनस टेन ए माइनस टेन बी, और डिनोमेटर में आ जाएगा प्लस 1 + tan a tan b। ठीक है बेटा, तो ये आपकी सारी आइडेंटिटीज किसमें आएंगी, 11th में आएंगी। तो पहले बेटा इसको लिख लो, ऐसे कैसे लिखो जरा, इसको नोट कर लो बेटा। सर लिख लिया, नोट कर लो। डन सर। डन, और कुछ लिखाता हूं, और एंटिटीज भी हैं जो आपके काम आएंगे भी फाउंडेशन में। एक लिख लो साइन 2a,
साइन टू ए होता है टू साइन ए कॉस ए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखो बेटा ये आपका इससे प्रूफ हो जाएगा, इससे प्रूफ यदि मैं इसमें a इक्वल टू b कर दूं, जरा इसमें आप a इक्वल टू b रख के देखो, मतलब दोनों यदि मैं a बोल दूं, इस b को मैं a बोल दूं, तो ये साइन टू ए हो गया, यहां से देखो साइन a ये भी कितना हो गया, ये cos a हो गया, ठीक है ये भी cos a और ये भी sin a, तो आ जाएगा टू sin a cos a। यदि मैं इसमें b को a पुट कर दूं तो साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए cos a मिल जाएगा मुझे यहां से, ठीक है ये तो आपका इससे प्रूव हो जाएगा, साइन टू ए हो गया। एक लिख लो, एक होता है ऐसे cos, सर ये कैसे प्रूव होगा बेटा, इसमें क्या करो आप b की जगह a पुट कर दो, जरा पुट करके देखो b की जगह a पुट करो, यस तो साइन टू ए ये हो गया, यहाँ b की जगह आपने a पुट किया तो साइन a cos a, यहाँ आपने b की जगह a पुट किया साइन a cos a, तो हो गया ट्वाइस ऑफ साइन a cos a, ये आ गया ट्वाइस ऑफ साइन a cos a, यस ठीक है। cos 2a लिख लो, cos 2a आपका होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये लिख लो, ये आपका किससे आ जाएगा बेटा, ये इससे आ जाएगा, किससे, इसमें b इक्वल टू a पुट कर दो cos a प्लस b में, पुट किया तो क्या cos 2a आ गया, आपने b इक्वल टू a पुट कर दिया तो cos स्क्वायर a, b इक्वल टू a पुट किया तो sin स्क्वायर a, आ गया बेटा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, समझ में आया, आ गया बेटा समझ में, ठीक है ऐसे ही, ठीक है हो गया। और एक होता है आपका tan 2a, tan 2a क्या होता है, ये हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये किससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा b इक्वल टू a पुट कर दो tan a प्लस b में, tan 2a b इक्वल टू a पुट किया तो tan a प्लस tan a कितना आ गया 2 tan a आ गया अपॉन 1 माइनस b इक्वल टू a पुट किया तो क्या आ गया tan स्क्वायर a आ गया, आ गया बेटा ये, तो ये तो आपके इनसे आ जाएंगे, आ गया समझ में, तो ये आपकी एंटिटीज है इनको नोट कर लो, फिर हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा, इन तीन के प्रूफ हैं टेंथ तक, तो बताओ इन तीनों के प्रूफ, ये तो हम आगे इलेवेंथ में जब पढ़ेंगे तब प्रूफ करेंगे, इनके प्रूफ टेंथ तक है सर, इन सब के प्रूफ बता दो, इन सब के तो बेटा मैं आगे जब अपन बढ़ते जाएंगे ना जब आगे पढ़ेंगे बेटा, अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आप उसमें उलझ जाओगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो, ठीक है इन तीन के तो आपको समझ में आ जाएंगे अभी, इन तीन के तो मैं बता देता हूँ ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि इसको आप बताऊंगा तो बहुत उलझ जाओगे उसमें, आपको खुद को समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि वो इलेवंथ लेवल में थोड़ा लेवल अप हो जाएगा उसमें, इलेवंथ लेवल के प्रूफ है, इलेवेंथ में करेंगे अपन आगे उसको, बताओ क्या करना है, आप जैसे बोलो मैं तो वैसा करा दूंगा, बताओ क्या करना है, जैसे आपने कल बोला था फिर वो की वैरायटी में उसमें उसमें उलझ गए थे, तो बेटा ऐसे ही कुछ यहाँ पर रूल अप्लाई होगा फिर इन सब के लिए, जैसे आप बोलो वैसा कर लेंगे, बताओ चिन्ना अर्षित क्या करना है, इन तीनों को तो मैं कराऊंगा अभी, इन तीनों को तो मैं कराता हूँ अभी, इन सब के लिए बोलो क्या करना है, अभी करना है या बाद में जब करेंगे तभी करना है, अभी केवल आप एंटिटीज याद रख लो, टाइम वेस्ट है कुछ मतलब नहीं है, इसका यूज तो कुछ नहीं है, आपको एंटिटीज याद रखनी है, उसका प्रूफ मैं बता दूंगा, आप बोलो तो क्या करना है, बताओ जल्दी बोलो सर, जैसी आपकी सर बाद में पढ़ लेंगे सर, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना सर, नहीं जैसी आपकी इच्छा नहीं, आप पढ़ रहे हो आप बताओ आप क्या क्या करना है बेटा, देखो अभी प्रूफ बता दूंगा पर नहीं, नहीं सर नहीं सर अभी इतनी काफी है सर, बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, एक चीज बताइए प्रूफ करके क्या सर, एक चीज बताइए आप प्रूफ सीख भी लेंगे तो क्या एग्जाम में प्रूफ लिखना आएगा, अभी तो नहीं आ रहा ना सर, मतलब नहीं है, चलो अच्छी बात है, भी दुखाएंगे सर हमारे, एक मिनट चुप तो रहो, अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ समझ में आना भी चाहिए, अच्छी बात है प्रूफ आने भी चाहिए, बट मैं उसको कराऊंगा समझाने पर, हम वो भी करेंगे अभी, केवल हम ऐसा करते हैं इन तीनों के आपको प्रूफ बताया था, देखो इन तीनों तो आपको प्रूफ मिल गया, इन सबसे मिल गया आपको इनके प्रूफ, बता दे मैंने आपको इनके प्रूफ, तो इनसे आ गए, ठीक है यस, इनके प्रूफ चाहो तो मैं इसका प्रूफ भी आपको सिखा देता हूँ, इसका प्रूफ भी आपका इससे प्रूफ हो जाएगा, बताओ बेटा इसका प्रूफ बताऊं tan a plus b का, इसका प्रूफ भी आपका इनसे आ जाएगा, sin cos के हम जल्दी, ठीक है इसे बता देना, ठीक है सर, जो जो इजी हो जो सारे बता देना, चलो ठीक है अपन करते हैं, पहले मैं आपको इनके कराता हूँ तीनों के, ठीक है चलो, ये आपने लिख लिया बेटा, ये लिख लिया आप सबने, एंटीज लिख ली, डन करें अब स्टार्ट प्रूफ, चलो तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अब देखो जरा स्टार्ट करते हैं हम, पहले जो अपनी तीन बेसिक एंटिटीज हैं पहले हम उसके प्रूफ देखते हैं, फिर जो जो हो सकता है इजी वो हम करते हैं, चलो तो पहले अपन करते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इन सब के लिए हम वो एक ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है ए बी सी ये हो गया, ये मैंने थीटा मान लिया बेटा, ठीक है
अपने पास क्या है, सबसे पहली आइडेंटिटी हमने देखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। मुझे ये प्रूव करना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो मैं यहां से क्या करता हूं, सबसे पहले यदि मैं इसमें इन ट्रायंगल एबीसी यदि मैं अप्लाई करता हूं पाइथागोरस थ्योरम, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा आपको पाइथागोरस थ्योरम से, मुझे मिल जाएगा ए बी स्क्वायर किसके इक्वल, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल मिल जाएगा बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है, मिल जाएगा। अब मैं इसमें क्या करता हूं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए बी स्क्वायर। मैं डिवाइड कर रहा हूं ए बी स्क्वायर से बोथ साइड, मैंने क्या किया, मैं बोथ साइड हर एक टर्म को डिवाइड कर रहा हूं ए बी स्क्वायर से। देखो ऐसा करने से क्या होगा, डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर आ जाएगा बेटा, हो जाएगा ये। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो मिल गया आपको 1। अब देखो इसके अकॉर्डिंग मैं थीटा की फॉर्म में इसको क्या बोल सकता हूं, मुझे बताओ, थीटा की फॉर्म में मैं ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूं, थीटा की फॉर्म में कौन सा रेशियो होगा ये ए सी अपॉन ए बी, सोच के बताओ थीटा की फॉर्म में ये कौन सा रेशियो होगा, साइन थीटा होगा बेटा, क्योंकि देखो थीटा के लिए ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेनियस, यहां पर क्या आ रहा है ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा बेटा। ठीक है, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, अच्छा कॉस स्क्वायर हो जाएगा सर, सी अपॉन, क्योंकि देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया प्रूफ, सिंपल था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, आया क्या समझ में, हो गया बेटा प्रूफ, तीनों को समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा पूछ लो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, ये आपने कर दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अब मेरे पास इक्वेशन सेम है, अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट टाइम मैं क्या करता हूं, आपने अभी किया है ए बी स्क्वायर से डिवाइड, अब मैं करता हूं एक बार ए सी स्क्वायर से, फिर करूंगा एक बार बी सी स्क्वायर से। देखो अब मैंने क्या किया, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय, अब मैं करता हूं ए सी स्क्वायर से बेटा, तो देखो यहां से क्या मिल जाएगा आपको ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, यहां से क्या मिलेगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस यहां से क्या मिलेगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर मिलेगा बेटा। ठीक है, ये तो हो गया कैंसिल, ये तो आपको 1 मिल गया, ए बी अपॉन ए सी मैं पूछूंगा मुझे वही बोलेगा, इंशिया बेटा बताना ए बी अपॉन ए सी क्या होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, ए बी अपॉन ए सी क्या होगा बेटा इंशिया, एच अपॉन पी क्या होता है थीटा के रेस्पेक्ट में, हाँ बेटा इंशिया एच अपॉन पी क्या होगा, कॉट ए बी अपॉन ए सी बेटा, ए बी अपॉन ए सी sec या cosec क्या होगा, h upon p क्या होता है बेटा, p upon h sin, तो h upon p क्या होगा cosec होगा ना, ये cosec। ठीक है, तो बस यहां से मिल जाएगा ये आपका आ जाएगा cosec square theta, cosec square theta equal to 1 plus, ये बताओ ये क्या आएगा bc upon ac क्या आएगा, bc upon ac क्या आएगा, चिन्ह में अंश से बोलो कोई, bc upon ac से क्या आएगा sec sir sec, BC अपॉन AC से क्या आएगा सर, sec आएगा ना, sec थीटा, sec थीटा कैसे आ जाएगा, क्या BC अपॉन AC बोल रहा हूँ बेटा, cot आएगा ना, BC अपॉन AC, हाँ cot आएगा ना, B अपॉन P, base अपॉन perpendicular, cot ही आएगा, तो मिल गया आपको, हो गया प्रूफ, एक और entity जो हमने पढ़ी थी क्या, 1 plus cot square theta equal to cosec square theta मिल गया बेटा, समझ में आया नहीं आया मुझे ये बताओ, आया नहीं आया समझ में, तीनों को चिन्ह में समझ में आया, इंशा समझ में आया, हर्षित तीनों को समझ में आया कैसे किया, yes. ठीक है चलो ये कर दिया, अब हमने कर दिया, देखो एक बार हमने किया ए बी से, एक बार ए सी से, अब क्या बच गया बी सी से करता हूं, डिवाइड
इक्वेशन वन बाय बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, देखो लिखते हैं हम इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ओके बेटा, अब देखो, अब देखते हैं, अब देखो ए बी अपॉन बी सी, ए बी कौन सा है, देखो ए बी अपॉन बी सी, एच अपॉन बी है, बी अपॉन एच क्या होता है कॉस, तो ये क्या हो जाएगा सेक, हो जाएगा सेक, ए सी अपॉन बी सी, ये देखो ए सी अपॉन बी सी तो क्या होता है टेन, टेन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, कितना मिल गया वन, तो यहां से क्या आ गया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके तीनों प्रूफ, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो बेटा पूछ लो, तीनों आइडेंटिटी हो गई प्रूफ, नो सर नो कंफ्यूजन, ठीक है इसको नोट कर लो बेटा, नोट करो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर, डन, यस सर, समझ में आ गया, तो हो गए दो तीनों प्रूफ, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, वन प्लस कॉट इक्वल टू कॉसेक और वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। चलो अब और जो पॉसिबल होता है मैं वो बताता हूँ उनके प्रूफ, देखना नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो टेन ए प्लस बी के लिए नोट कर लिया, ये बढ़े आगे, यस सर, चलो ठीक है, अब देखो जरा, अब मैं लेता हूं नेक्स्ट टेन ए प्लस बी के लिए, क्योंकि तो हमने देखो साइन टू ए कॉस टू ए टेन टू ए तो बताता मैंने आपको ए इक्वल टू बी पुट कर दोगे उनमें, ठीक है नेक्स्ट देखो किसके लिए, टेन ए प्लस बी के लिए, हम पढ़ चुके हैं टेन ए प्लस बी की एंटिटी क्या थी, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड में वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है ये हम पढ़ चुके हैं, आपको ये प्रूव करना है टेन ए प्लस बी, तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना, देखो जरा एक बार मैं इसमें एल एच एस पार्ट ले रहा हूं, ठीक है टेन ए प्लस बी, बेटा हम जानते हैं टेन क्या होता है, टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है, पढ़ चुके हैं बेटा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन ए प्लस बी है तो क्या लिख दूं, साइन ए प्लस बी डिवाइड में कॉस ए प्लस बी लिख दूं बेटा, टेन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, समझ में आया, अब हम इन दोनों के लिए भी आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, साइन ए प्लस बी देखो मैंने लिखा है आपको, साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी लिखा है बेटा प्लस कॉस ए साइन बी, समझ में आया, ठीक है डिवाइड में कॉस ए प्लस बी लिखाया है, क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इतना समझ में आया क्या, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो पहले पूछ लो, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पहले पूछ लो, समझ में आया सबको तीनों को, कोई डाउट तीनों को, ठीक है नो सर नो डाउट। अब देखो ऐसा तो हम बेटा हम क्वेश्चनों में कर चुके हैं ट्रिक, मुझे ये बताओ यहाँ पर साइन ए कॉस बी है, मुझे लाना है ये पार्ट, मुझे साइन ए कॉस बी है, साइन ए कॉस बी कैसे लिखा आपने सर, डिवाइड बाय बेटा कर दो साइन ए प्लस बी है बेटा, ये तो आइडेंटिटी आ गया ना हर्षित, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए सर, ठीक है अब देखो यहाँ पर कॉस ए साइन ए कॉस बी है, मुझे चाहिए केवल टेन डिवाइड बाय कॉस कर देंगे, कॉस क्या, कॉस क्या किससे करूंगा ए बी कॉस बी, कॉस ए कॉस बी से करूंगा, देखो एक बात मैं यहाँ पर क्या करूंगा ध्यान से देखना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी, देखो ऐसा करने से होगा क्या ध्यान से देखना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी, तो देखो ये तो चल रहा है आपका टेन ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, हम पहले डिवाइड कर देते हैं, मैं पहले लिखता हूं साथ में साइन ए कॉस बी डिवाइड में क्या आ गया कॉस ए कॉस बी, ठीक है बेटा प्लस ऐसे यहाँ पर कॉस ए कॉस बी डिवाइड में क्या आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, ठीक है ऐसे ही यहाँ देखो बेटा कॉस ए कॉस बी, मैं हर टर्म को डिवाइड कर रहा हूँ कॉस ए कॉस बी से, कॉस ए कॉस बी माइनस ऐसे यहाँ पर आ जाएगा साइन ए साइन बी डिवाइड में क्या आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, समझ में आया, अब देखो जरा कॉस बी कैंसिल हो गया बेटा, यहां से देखो ये कॉस बी कैंसिल और कॉस ए बी कैंसिल हो गया, कुछ कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो गया, नहीं ये आपका साइन बी था बेटा ऊपर तो ये तो कैंसिल नहीं होगा,
केवल cos a कैंसिल होगा, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, cos a cos a कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हुआ, यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहां से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब देखो जरा sin a upon cos a कितना हो गया, tan a हो गया, आया समझ में, sin b upon cos b क्या हो गया, tan b हो गया, tan a plus tan b डिवाइड में देखो ये पूरा हो गया 1 माइनस, यहां से देखो sin a upon cos a कितना tan a, sin b upon cos b कितना tan b, हुआ क्या प्रूफ, देखो एक बार, हो गया प्रूफ, ये प्रूफ हो गया, समझ में आया क्या, कोई कंफ्यूजन, एक बार ध्यान से देख लो इसको, कहीं भी कोई स्टेप में था। हाँ बोलो अर्षित। सर मुझे समझ नहीं आया, आपने tan a plus b को लिखा sin a plus b upon cos a plus b, फिर इसको आपने sin a cos b plus cos a sin b upon cos a cos b minus sin a sin b में कैसे लिखा? अरे बेटा मैंने identity apply की है, देखो मैंने आपको identity लिखाई हुई है ना, एक बार देखो sin a plus b और cos a plus b की identity देखो, लिखाई क्या मैंने आपको, लिखाई है identity, sin a plus b क्या होता है, sin a cos b plus cos a sin b, होता है नहीं होता है, देखो जरा एक बार, ये सर वो लिखा है मैंने cos a plus b क्या होता है, cos a cos b minus sin a sin b, तो मैंने वो लिखी है बेटा यहाँ पर, बस आया समझ में आप? ये सर ठीक है, और कुछ पूछो, क्या पूछना है पूछ लो बेटा, जो पूछना हो, समझ में आना चाहिए बस, समझ में आया चिन्मय और ईशिया, कोई प्रॉब्लम? नो सर। चिन्मय? यस सर। समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। बोलो बोलो, नहीं आया तो दोबारा समझाता हूँ, कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं सर, डाउट सर कोई डाउट ही नहीं है सर, ऐसी चीजों पर डाउट होता है क्या? अच्छा सही है, फिर तो समझ में आ गया, फिर तो बढ़िया है ना, अच्छा है, चलो तो ये आपका हो गया tan a plus b, ओके। तो अब हम बेटा कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखना, सबसे पहले हम आप कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखो आपको एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बेटा एक क्वेश्चन लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 degree, 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 degree, सर कॉस 85, नहीं नहीं देखो, अब देखो साइन 15 है, अब जो मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखाई थी साइन ए प्लस बी ए माइनस बी वाली, मैं उनको ऐसे सॉल्व करूंगा, देखो बेटा अभी तक आपको वैल्यू किस किस की पता है, हमने क्या क्या एंगल पढ़े, 0, 30, 45, 60, 90, हमने यही पढ़े, हमें इनके लिए वैल्यू पता है, तो मैं इसको ऐसे दो वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा जिनकी मुझे वैल्यू पता हो, 15 को मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये लिख दूं क्या इसको 45 minus 30, समझ में आया, तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, कैसे ब्रेक करूंगा, मैंने इसको क्या लिख दिया 15 है, तो मैं क्या लिख दूं इसको, मैं लिखता हूं 45 minus 30, समझ में आएगा बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन, लिख दिया मैंने ठीक है, साइन 15 क्या लिख दिया मैंने 45 minus 30, आपको ऐसे दो उसमें ब्रेक करना है वैल्यूज में, एंगल्स में, जिनकी मुझे वैल्यू ऑलरेडी पता हो ठीक है। अब देखो यहां मैं अप्लाई करता हूं कौन सी आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, कौन सी पढ़ चुके हैं, साइन ए माइनस बी वाली, क्या होता है ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, होती है बेटा वैल्यू ठीक है, तो मैं ये अप्लाई कर दूं, इसको बोल दो ए और इसको मान लो बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए मेरे पास कितना 45 है, साइन ए कॉस बी कितना है 30 है, माइनस कॉस ए कितना है 45 है, और साइन बी मेरे पास कितना है 30 है, इसको सॉल्व कर दे ठीक है, सॉल्व कर दो, साइन 45 वैल्यू 1/√2, कॉस 30 कितना होता है 3/√2 होता है, माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 कितना होता है 1/2, सॉल्व कर दें तो कितना आ जाएगा 3/√2 माइनस 1/√2, तो कितना आ गया 3 minus 1/√2, ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई साइन 15 की, सर मेरी भी आ गई ठीक है, तो जहां आपको सपोज आपको साइन 15 की वैल्यू पता है, कहीं वो यूज आ रही है उसकी वैल्यू, तो आप डायरेक्टली ये वैल्यू भी यूज कर सकते हो। सर कुछ नंबर होते हैं ना, जैसे साइन 47 नहीं, सर बाबा सर ने कुछ नंबर्स बताए थे, वो मतलब कुछ जैसे साइन 45 इन सब की वैल्यूज बताई थी सर ने, वो भी 37
हाँ वो भी आपकी होती हैं, उनकी भी तरीके होते हैं करने के, वो भी अपन करेंगे आगे। जैसे साइन 37 हो गया, टेन आपका सपोज 47 हो गया, टेन 53 हो गया, कुछ ऐसे होते हैं ना जो मतलब आपके ऑड मल्टीपल्स होते हैं, तो उनकी भी होती है वैल्यू, वो भी अपन आगे के धीरे बढ़ेंगे करेंगे आगे। ये समझ में आया नहीं आया पहले बताओ, इसमें कुछ कंफ्यूजन तो पहले पूछ लो। तीनों को समझ में आया कैसे किया मैंने, इसको ब्रेक कर दिया आ गया सर। ब्रेक कैसे किया, 45 माइनस 30 किया, एनपी अप्लाई कर दी, सॉल्व कर दिया। अब एक क्वेश्चन आप खुद करोगे, लिखूं मैं? यस सर। इसको नोट कर लो पहले, इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट देखता हूं। एक आ गया सर, कर लिया। चलो नेक्स्ट जरा आप निकालना 10 75 डिग्री और चैट बॉक्स में लिखना है सॉल्व करने पर पूरा कंप्लीट। 10 75 डिग्री सॉल्व करके चैट बॉक्स में लिखना, यदि आपका वो रेशनलाइज भी हो रहा हो तो उसको रेशनलाइज भी करना, लास्ट तक सॉल्व करना उसको, और जो वैल्यू आएगी वो आप लिखना चैट बॉक्स में। 10 75 डिग्री तीनों सॉल्व करो, ट्राई करो और चैट बॉक्स में लिखना आंसर। थ्री प्लस रूट थ्री बाय थ्री, 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। मैं रॉन्ग है बेटा। सर अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 अंडर रूट 3 माइनस 1। हाँ इसको रेशनलाइज करो, सही है बेटा आपका, इसको रेशनलाइज करो। और कर रहे हैं सर। हाँ बेटा हर्षित आप चेक करो, बेटा आप भी करो, इंशिया सॉल्व करो। सर हाँ बोलो। सर ये लास्ट क्वेश्चन कर रहा ना अपन ने साइन 15 में, तो साइन 45 माइनस 30, तो यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू करके माइनस नहीं कर सकते सर? किसको साइन 45 क्या बोलो, साइन 45 सर 2 प्लस रूट 3 आ रहा है क्या सर आंसर? सर इस लास्ट क्वेश्चन में साइन 45 की वैल्यू रख देते अपन ब्रैकेट में और साइन 30 की वैल्यू को रख देते और डायरेक्ट माइनस कर देते। नहीं वो रॉन्ग है, रॉन्ग है वो, कभी भी वो इक्वल नहीं होगा बेटा, ऐसा तो ना इक्वल होता है कि आप वो ऐसे, आप ये बोल रहे हो ना कि मैं ऐसा कर देता साइन 45 माइनस साइन 30 इक्वल टू साइन 15, ये बोल रहे हो बेटा? नहीं ये रॉन्ग है, ऐसा तो ना होता है, आइडेंटिटी नहीं है वो तो कोई ऐसी, ठीक है ना? ठीक है सर, 2 प्लस रूट 3 आ रहा है सर आंसर। हाँ सही है, 2 प्लस रूट 3 आएगा, सही है। सॉल्व करो बेटा, हर्षित सॉल्व करो, इंशिया सॉल्व करो। सर ऐसा एक रिक्वेस्ट है सर आपसे, सर आप एक साथ शीट डाल देते हो ना सर वो डीपीपी, तो सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इतने कौन से आज के मतलब आज की क्लास से रिलेटेड थे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप ऐसे कर दिया, सर आप ऐसे कर दिया करो ना डीपीपी बांट दिया करो, फर्स्ट डे के हिसाब से मैंने आज ही पढ़ाया था, 1-5 करने। चलो मैं उसमें आज लिख दूंगा जो जो आपके बन रहे होंगे ना आज की क्लास के अकॉर्डिंग तक, मैं उसमें लिख दूंगा वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है बेटा? मैं आज लिख दूंगा उसमें ग्रुप पे लिख दूंगा। यस सर। चलो तो ये आया क्या इसका आंसर, हर्षित आया क्या? वेलकम बेटा, आया इंशिया हर्षित आंसर इसका आया क्या? हाँ सर आ गया ना। हर्षित इंशिया सॉल्व हुआ? ये सर आ रहा है सर। यस सर। देखो 1075 है, 1075 है, इसको क्या लिख दूं, इसको मैं लिखता हूं 45 प्लस 30, लिख दूं बेटा 45 प्लस 30, हम एंटिटी पढ़ चुके हैं 10a प्लस b की, क्या होती है 10a, 10a प्लस 10b होती है ये, 10a प्लस 10b डिवाइड सर 2 आंसर आ रहा है, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 चेक करो, 10 45 में 30 अप्लाई कर दिया, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 10b, 10 45 1, 10 30 1 अपॉन रूट 3, ठीक है
वन माइनस ये वन हो गया, ये हो गया वन अपॉन रूट थ्री, हो गया। थोड़ा सॉल्व कर लो, एलसीएम लो ऊपर नीचे, यहाँ तो आ जाएगा रूट थ्री, ये कितना आ जाएगा रूट थ्री प्लस वन, ऐसे यहाँ पर ले लो, ये रूट थ्री आ जाएगा और ये आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन, ये कैंसिल हुआ, मेरे पास क्या बच गया रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन। इसको और रेशनलाइज कर दो, मतलब क्या कर दे रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, ऊपर तो बन जाएगा होल स्क्वायर रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर दो, रूट थ्री का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो थ्री प्लस वन प्लस टू रूट थ्री आ जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा थ्री माइनस वन, कितना फोर प्लस टू रूट थ्री अपॉन टू, और क्या कर सकते हो टू कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू, टू टू कैंसिल, आंसर कितना आ गया टू प्लस रूट थ्री, दिस इज द आंसर। ये सर सब बड़ा इजी था, समझ में आया क्या, बस सिंपल कैलकुलेशन है। हाँ इंशा ठीक है, टू प्लस रूट थ्री आएगा, ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, बस वो आप क्या करो उसको ब्रेक कर दो और सॉल्व करते जाओ, ठीक है बेटा। अच्छा अब रिमेनिंग बेटा कल पढ़ेंगे, आज यहीं यहीं स्टॉप करते हैं, बहुत ज्यादा हो चुका है आज, यस ठीक है सर, ओवर हो गया सर अब तो, ठीक है ठीक है, तो आज इतना ही काफी है। कुछ क्वेश्चन जो बेटा मैं शीट डाली है, मैं देखूंगा जो क्वेश्चन आपसे हो सकेंगे मैं वो लिख दूंगा, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। यस सर, ओके बेटा, चलो कल पढ़ते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके बेटा, वेलकम।